Assalamu alaikum, guys. Myself, is Raza, online teacher for English. It's our fourth lecture. In fact, it's a very interesting lecture. It's all about a new topic. Our today's lecture topic is uh, Chinese New Year. Chinese Saleno. It's all about Chinese culture. It's all about learning new things, new ideas, new culture, uh, new information. Uh, don't forget to learn about Chinese culture. Uh, today, uh, you are going to learn Urdu translation and Urdu. meanings with grammar work uh let's start passage number 1 chinese new year is a holiday that celebrates the beginning of a new year according to the chinese lunar calendar celebrates मनाता है beginning आगाज considered समझी जाती lunar कमरी चाइनी साले नो छुट्टी का दिन होता है जिसको चाइनी यानी चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक एक नया साल का आगाज करने के लिए मनाते हैं यानी चीनी को नए साल के गाज के लिए मनाते हैं इट इज़ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉलीडेज फॉर चाइनीज़ फैमिलीज इसको चीनी खानदानों के लिए अहम तरीन छुट्टियों में से एक छुट्टी समझा जाता है यानी ततील का दिन तातील में से एक तौतील का दिन छुट्टी का दिन समझा जाता है दिस द हॉलीडे सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग्स गिफ्ट गिविंग द ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड्स एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरे गुड लक फॉर द न्यू ईयर एंड सेलब्रेशन दम इस छुट्टी के दिन को बड़े बड़े खानदानी जितमात, तहफ देने अलामती खजाई खाने और पुरम सरद आरशों से मनाया जाता है आल फोकस ऑन ब्रिंगिंग फूड गुड लक फॉर द न्यू ईयर एंड सेलिब्रेशन दमिंग स्प्रिंग किस लिए सारा कुछ ये मनाया जाता है आ, सारी तवज्जो नए साल के लिए तकदीर अच्छी करने और बाहर की आमद का जश्न मनाने पर मरकूज होती है इन चाइना द इज स्टिल यूज टू डिटरमाइन ट्रेडिशनल हॉलीडेज़ लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर चाइना में यानी चीन में अभी तक रवायती छुट्टियों को तय करने के लिए जैसा कि चीनी साल नो है कमरी कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है फेसिस ऑफ़ द मून विच हैज़ अ शॉटर साइकल देन द सन चाइनीज न्यू ईयर इज न सेम डे ईच ईयर बट टिपिकली फॉल्सर बिटवीन जनवरी ट्वेंटी फर्स्ट फरवरी फेबर ट्वेंटी इसकी क्या उर्दू ट्रांसलेशन होगी uh, चूँकि कमरी कैलेंडर की बुनियाद चाँद की अशकाल पर होती है जिसका चक्कर सूर्य से कम होता है चीनी साल नो हर साल कभी एक दिन को नहीं आता यानी नया साल हर साल एक दिन पे नहीं आता मगर आम तौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के कहीं दरमियान में आता है सेलिब्रेशन कैन एक्चुअली लास्ट अ मंथ जो तकरीबात होती हैं असल में एक माह तक जारी रह सकती हैं हेर आर एसोसिएटेड विद चाइनीज न्यू ईयर्स Uh, साल नौ से मतलब कुछ रवायात ये हैं यानी कि हम जो नीचे पढ़ने जा रहे हैं तो इस पैसेज के वर्ड्स मीनिंग भी देख लें सेलिब्रेट्स मनाता है बिगनिंग आगाज़ कंसीडर्ड समझी जाती है ल्यूनर कमरी गैदरिंग्स इजमात सिम्बोलिकामती डिस्प्ले मुजाहरा करना दिखाना फेस्टिव पुरमसरत डेकोरेशन सजावटें फोकस्ड मरतकज यानी कि तवज्जो मरको डिटरमाइन तय करना ट्रेडिशनल रवायती फेसज़ अशकाल टिपिकल आम तौर पर एक्चुअली असल में एसोसिएटेड जुड़ी हुई है नंबर टू क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू क्लास इट्स पैसेज प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू क्लीन देयर हाउसेस थर्ली मुकम्मल तौर पर कस्टमरी रवायती क्लियर आउट साफ करना नए साल के पहले दिन से पहले सा, नए साल के पहले दिन से पहले खानदान हसब रिवाज घरों की मकमल तौर पर सफाई करते हैं बेलक फ्राम द प्रीवियस ईयर एंड टू मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर प्रीवियस का फिनिश खत्म करना कहा जाता है कि ऐसा करना का साल की किसी भी बदकिसमती को ख़त्म करने और आने वाले साल के लिए खुशकस्मती को खुश आमदीद कहने के लिए घर को तैयार किया जाता है ऑल क्लिनिंग मस्ट भी फिनिश बिफोर द न्यू ईयर्स डे सो देर इज़ नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फार्चून ऑफ द न्यू ईयर्स फार्चुन किस्मत थ्रोइंग आउट नाह निकालना बाहर बेंगना एक्सीडेंटली एक्सीडेंटली क्या होगा इतफाक़न गैर इरादी तौर पर हाथादी तौर पर बाई चांस uh, तमाम सफाई को नए साल के दिन से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए ताकि नए साल की खुशकस्मती से हादसाती तौर पर महरूम रहने का कोई इमकान ना रहे अवेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ हाउ एवर वेयरिंग रेड इज़ इंक्रेज एज कलर इज़ एसोसिएटेड विद वार्डिंग आउट बचना बैड स्पिरट बद रुहें शतानी रूहें इंक्रेज इज़ इंकरेज हौसला अफजाई की जाती वेयरिंग पहनना एसोसिएशन तल्लक होना जुड़ा होना किसी चीज़ से यानी कि जो स्याह कपड़े का तल्लक है स्याह कपड़ों का मौत से तल्लक होने की वजह से इसको पहनने की इजाज़त नहीं है हम सुरख कपड़े पहने की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि इसका रंग का तल्लक बदरूहों से बचने से है फॉलो द पैसेज नंबर थ्री थर्ड पैसेज डेकोरेटिंग द हाउस एन अदर पापुलर कस्टम इज़ टू हैंग अपर and एंड विंडोज़ विद द चाइनीज वर्ड फ्यू एफ फ्यू रिचर्न ऑन द डैम व्हिच मेक्स लक एंड हैप्पीनेस। बाइंग फ्लावर्स फॉर द होम इज़ आल्सो कॉमन प्लेस दिम्बलॉज द कमिंग ऑफ स्पिरिट एंड न्यू बिगनिंग कस्टम रिवाज अलामते पोस्टर इश्ति किस्मत हैप्पीनेस खुशी कॉमन आम सिंबलाइज अमजार करना प्लेस जगह एक दूसरा हर दिल अजीज़ और रवाज दरवाज और पर परामतें और इश्तहार लगाना है जिन पर चीनी लफज फूलिखाता है जिसके मानी किस्मत और खुशी की है बाइंग फ्लावर्स फॉर दिस होम इज़ आल्सो कामन प्लेस सिंस सिंबलाइज द कमिंग ऑफ स्प्रिंग एंड न्यू बिगनिंग घरों के लिए फूलों की खरीदारी भी एक आम मामूल है क्योंकि वो बाहर की आमद और नए साल की गाज की आमद को ज़ाहर करते हैं एंड द नंबर फोर पैसेज न्यू इयर्स एव डिनर ऑन द एब ऑफ चाइनीज न्यू ईयर इट इज़ कस्टमरी टू विजिटिटेक इन लास्ट डिनर वेर नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्वड

रवायती तौर पर एक चीनी खानदान साले नौ के शाम के खाने में आठ या नौ खाने लगाता है क्योंकि चीनी जबान में लफज आठ का मतलब खुशहाली और नौ का मतलब देर तक रहना है देर तक जिंदा रहना है एंड नंबर फाइव इज़ फिफ्थ पैसेज इज़ इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड इन फिल्ड विद मनी इन टू सिंबलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स टू प्रेजेंट रेड पॉकेट्स पैकेट्स टू अनमेरिड मेम्बर्स ऑफ द फैमली इनवेल्व आर नाट टू बी ओपन देंट हैज़ लेफ्ट होम ऑफ द गि उर्दू मीनिंग आर प्रैक्टिस दस्तूर आदत प्रैक्टिस करना मश करना एडल्ट बालग जवान इन्वेल्ब्स लफाफे शिवलाइज अमत ज़ाहर करना प्रस्पैरिटी खुशहाली तरक्की पैकेट 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 बॉक्स अनमेरिड गैर शादी शुदा जिनकी शादी नहीं हुई अनटिल जब तक ये बालग अफराद के, के लिए करवाती दस्तूर है कि वह बच्चों को रुपए पैसा रुपया पैसा से भरे हुए यानी पैसे दौलत से पैसों से करंसी से भरे हुए छोटे छोटे सुरख रंग के लफाफे आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली की तरक्की के तौर पर या लामत के तौर पर देते हैं इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स टू अन मेंबर्स ऑफ द फैमिली ये भी बड़ों के लिए काम दस्तूर है कि खानदान के गैरशुदा शादीशुदा अफराद को सुरख लिफाफे देते हैं आर नॉट टू बी ओपन द हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर लिफाफों को उस वक्त नहीं खोला जाता जब तक वसूल कारिंदा देने वाले का गार ना छोड़ चुका हो एंड द नंबर सिक्स पैसेज इज़ every year is associated with one of the 12 animals of the chinese zodiac uh, these animals are often represented in the decorations. some people believe that those born during the year of a particular animal may have the character traits of that animal words meanings are associated mansoob hai jura zodiac bruj ka naksha represent karna particular khas a traits khubiyan khususiyat animal janwar urdu translation

उनमें उस जानवर की फित्री खसूसियात मौजूद हो सकती हैं एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर सेवन इज चाइनीज न्यू ईयर टाइम वैन द फैमिली शुड कम टूगे इन आर्डर टू गिव थैंक्स फॉर द ईयर डेट हैज़ पास इगोरेट दैम सेल्व फॉर दमिंग ईयर टुगेर कट्ठे इन आर्डर टू की गर्ज से पास गुजर गया जो अरीवेगोरेट फिर से मजबूत करने के लिए फिर से ताकतवर बनाने के लिए उर्दू ट्रांसलेसन चाइनीज न्यू ईयर्स इज़ अ टाइम वैंड द फैमिली शुड कम टू गर इन आर्डर टू गिव थैंक्स फॉर द ईयर डेट आर पास एंड री इन्वेगोरेट दमसेल फॉर द कमिंग ईयर चीनी सालनो एक ऐसा मौका है जब खानदान को उस साल का जो कि गुजर गया है शुक्र अदा करने और फिद को आने वाले साल के लिए ताकतवर बनाने की गर्ज से इकट्ठा होना चाहिए एंड द गोसरी मीनिंग्स आर एसोसिएशन तलक फीलिंग कनेक्टेड विद द पर्टिकुलर इवेंट celebration session, party, a special event at which you celebrate something, a uh, customary mamul, rivaj, usual for somebody, gatherings in the month, uh, bringing some, uh, bringing together or uh, coming together of people of a family, lunar, kambri, relating to the moon, a uh, recipient, receiver, partake, take apart or uh, sharing, a uh, rate, ताकतवर बनाना टू स्ट्रेंथन सिम्बलाइज सामने के तौर पर टू प्रजेंट समथिंग बाई मीन ऑफ सिम्बल ट्रेस करेक्टरिस्टिक्स मेरिट्स वेल गाइस आज के हमने लेक्चर में लेक्चर नंबर फिफ्थ में हमने उर्दू ट्रांसलेशन चैप्टर नंबर टू की की है इसके साथ ग्लोजरी मीनिंग की है और इसके साथ साथ हम पेर ऑफ्स करेंगे सॉरी गाइस इट्स नॉट आवर फिफ्थ लेक्चर इट्स बाय मिस्टेकन सेट इट्स आवर फोर्थ लेक्चर ओके मूव टू Pair was 31 to 40. Device and device. Uh, device D E V I C device Tadbeer machine. We use different types of devices. D E V I S C device. The shopkeeper Device. many ways to earn profit. Deny or refuse. She denied having told her lios in a kick at kar, they diffuse comes in karkana. He refused to help me. Due and due, D E W Shabnam or D U E Due Vajai. Dew drops beautify the flowers. ही कैन नॉट कम टू स्कूल ड्यू टू इलनेस उसके बाद डाई और डाई है डी आई डाई मरना और डी वाई डाई रंगना ही डाइड ऑफ फीवर और डाई रंगना ही डाइड माई कोर्ट और डिसीज और डिजीज़ है और जो डिसीज़ है वो बीमारी है और जो डिजीज़ है वो मरा हुआ है स्मॉल पॉक्स इज अ बेड डिसीज़ और द बॉडी ऑफ डिजीज वॉज ले टू रेस्ट उसके बाद डोज अर डोज है डी ओ एस ई डोज खुराक है डी ओ जी ई डोज उंगना है टेक अ डोज ऑफ़ मेडिसन ही वॉज डोजिंग इन द क्लास उसके बाद और ड्रॉप डूब कमजोर कर गिर जाना द फ्लास डूप फॉर लैक ऑफ वाटर और ड्रॉप कतरा ड्रॉप वाटर फेल ऑन माई फेस ड्यूल और ड्यूल है डी यू एल दोहरे और ड्यूल लड़ाई आई वॉन्ट ड्यूल डेस्क उसके बाद है आई गिव मिस और ड्यू ड्रॉप लुक लाइक है दिस इज बिल्डिंग दिस बिल्डिंग इज ओलर दैन अदर्स